डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत को मिटाने में लगा दिया। पूरा राष्ट्र उन्हें संविधान के जनक के रूप में भी जानता है। उनका मानना था कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में लागू किया जाना चाहिए। उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हम अपने समाज में किस प्रकार का बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या और कितने उनके सिद्धांतों को अपनाने की आज हमें ज़रूरत है ताकि हम एक विकसित समाज की स्थापना कर सकें, इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास तौर पर मौजूद हैं श्री सूरजभान कटारिया जी, और उनके साथ कार्यक्रम में सहयोग करेंगे डॉक्टर एस एस रंगा जी, निदेशक हैं आकाशवाणी हिसार में, और साथ में हैं श्री राजेश कुमार जी। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सूरजभान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करते हैं तो उनका व्यक्तित्व तो अपने आप में इतना महान है कि मुझे नहीं लगता कि आप और हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। फिर भी शुरुआत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, जैसा कि मैंने भी बताया कि गरीबों, जो समाज का गरीब तबका है, उनको ऊपर उठाने में नछावर कर दिया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महामानव का यह नाम है। इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बापू की उपाधि के बाद जो बाबा साहब की उपाधि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जोड़ते हैं, वह एक अपने आप में उनकी शख्सियत को पहचान दिलाती है जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में, जो मौजूदा समय में डॉक्टर अंबेडकर नगर हो गया है, में एक कैंट एरिए में हुआ। संघर्षों के बीच वो अपने जीवन को आरंभ करते हैं, चाहे उनका विद्यार्थी जीवन रहा हो, विद्यार्थी जीवन के बाद में सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा हो, कितने संघर्ष उन्होंने किए। डॉक्टर रंगा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी अभी सर ने कहा कि संवैधानिक तौर पर जो सुधार हुए लोगों के जीवन में, उसमें जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है। अगर उनका मानना था, मैं कहीं पढ़ रही थी, उनकी कोटेशन थी कि आपको जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, कानून ने, संविधान ने जो भी आपको स्वतंत्रता दी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्या मानते हैं आप? अंजू जी, मैं सबसे पहले जो देखने वाले हैं उनको अंबेडकर जयंती की बधाई देता हूं, और मैं ये बता दूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है, उन्होंने संविधान को बनाया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। उसका अपना ही, जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, उसका अपना ही योगदान था। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि समाज में समानता होनी चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, उनका मानना भी था कि अगर एक महान आदमी किसी आम आदमी से अलग तब बनता है जब वो हमेशा समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है, आपका क्या मानना है? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसके विचारों पर चलते हुए, उनके जो विचार थे उन पे चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि समाज में लोग जो है उनके बताए हुए सिद्धांतों पे काम हो रहा है, कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, उन बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं। भी सोच में समय समय पर बदलाव आ रहा है और आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। सूरजभान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करते हैं तो उनका जो योगदान है, अनेकों आयाम हैं उसके योगदान के, चाहे वो समाज सेवा को लेकर हो, चाहे वो देश सेवा को लेकर हो, लेकिन जब बात संविधान की आती है, संविधान निर्माण के वक्त जो उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर जो भूमिका उन्होंने निभाई, उस भूमिका ने उनको पूरे विश्व में भारत का संविधान निर्माता बना दिया। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया है, जिससे कि हमारा देश नियमित उन्नति की ओर जा रहा है, उस संविधान के माध्यम से हम देखेंगे कि जब देश में संविधान लागू नहीं था तो पहले एक राजा होता था, एक रानी होती थी, उनसे जो संतान पैदा होती थी वही राजा बनते थे, वही आगे राजपाट चलाते थे। बाबा साहब ने संविधानिक व्यवस्था दी। संविधान के माध्यम से हर गरीब को, हर अमीर को, हर महिला को, हर पुरुष को, सभी को मताधिकार का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। आज मतदान
जब हम करते हैं तो अपने वोट के माध्यम से हम चुनते हैं कि हमें जो हमारा उम्मीदवार है वो गरीब है कि अमीर है, अनुसूचित वर्ग का है कि सामान्य वर्ग का है, पिछड़े वर्ग का है कि महिला है, पर हमारे हकों की रक्षा कर सकती है। यह अधिकार जो हमें दिया है यह बाबा साहब के संविधान ने दिया है जी। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में बाबा साहब के संविधान से जिस प्रकार हमारा देश नियमित उन्नति और प्रगति कर रहा है, पूरी दुनिया के जो देश हैं उनके जो शासक हैं वह हमारे भारतीय संविधान से प्रेरणा लेते हैं। हमारा संविधान इतना बेहतर तरीके से बनाया गया है कि मुझे लगता है उस समय जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने संविधान को तैयार करके उस समय के हमारे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब संविधान सौंपा था तो उन्होंने एक बात कही थी। आज दर्शकों को भी मैं विशेष कर इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा और उनकी पूरी कमेटी के द्वारा जो भारतीय संविधान तैयार किया गया है वह अनेक मामलों में बेहतर से बेहतर संविधान है, पर उसको लागू करने वाले किस प्रकार के हैं वो उस संविधान को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ही देश उन्नति कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय जब अनुसूचित वर्ग को शायद शिक्षा का अधिकार नहीं था, गरीब वर्ग को कोई सहूलियत नहीं थी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, कहाँ लाइट, कहाँ पंखे, कहाँ यूनिवर्सिटी, कहाँ स्कूल, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उस समय से आज तक चाहे वो लंदन में पढ़े हों, चाहे वो भारत में पढ़े हों, दुनिया के किसी हिस्से में भी पढ़े हों, उस महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की है आज तक की व्यवस्था में भी उन जितना शिक्षित कोई नहीं जी। शिक्षा की आपने बात की है तो सर रंगा जी भी एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब शिक्षा सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण ये जो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम किया हुआ बाबा साहब अंबेडकर का मैंने पढ़ा था काफ़ी योगदान है, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट हो 1952, इस तरह के जो समाज कल्याण या श्रम कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया, तो और उनको खुद को भी प्रारंभिक शिक्षा में जैसे सामाजिक जो भेदभाव की सर बात कर रहे हैं बहुत दिक्कतें आई, तो वहाँ तक सोच का जाना क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं बता दूं कि जब इनके लिए शिक्षा प्रारंभ हुई तो सावित्री फुले थी, उन्हें पहले जो है ना अनुसूचित जाति के लिए स्कूल खोला। हाँ, पॉइंट ये है कि सामाजिक समानता के लिए तो उन्होंने सोचा, लेकिन उनको जो परेशानियां हुई बावजूद उसके उन्होंने समाज के हर तबके के लिए, अब ये जो कर्मचारी कल्याण की हम बात कर रहे हैं, श्रम कल्याण की बात कर रहे हैं, उसमें तो हर तबके के लोग आते हैं, मतलब खुद वैसा बिहेवियर बर्दाश्त किया उन्होंने, लेकिन फिर भी बावजूद उसके पूरे वर्ग के लिए, पूरे समाज के वर्ग, सभी वर्गों के लिए उन्होंने सोचा, तो ऐसी सोच के बारे में आप जो हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये बताना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा था, हम ये कहते हैं कि संविधान उन्होंने बनाया, हम ये कहते हैं कि संविधान कहते हुए पूरे केवल एक समुदाय के लिए बनाया, पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए उन्होंने संविधान बनाया, सभी को बराबर अवसर देने के लिए बनाया है, और हम ये मानते हैं कि उनका बनाया हुआ है। और उन्होंने जो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे तो अध्यक्ष थे संविधान कमेटी के, तो उनको सौंपा उन्होंने, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा संविधान बना दिया है जो सबसे लचीला भी और कठोर भी है, और आने वाले समय में वो बिल्कुल खरा निकलेगा, और वही जो ना साबित हुआ। सुजबान जी, जैसे कि कोटेशन अगर बात करूं, मैं उनके विचार आज पढ़ रही थी तो उनमें उन्होंने लिखा है कि सामाजिक और न्याय व्यवस्था जो है राजनीतिक शरीर की दवाई है, अगर राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है तो उसको सामाजिक और न्याय व्यवस्था की दवाई ज़रूर दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही, आज के माहौल में ये बात कहाँ तक जो है पूर्ण बैठती है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक मूल मंत्र के माध्यम से समाज को जो शिक्षा दी है, जो प्रेरणा दी है, वह हम सबको सीखनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनना है। शिक्षित बनने का मतलब कि मुझे 10वीं पास कर लेना है या 12वीं पास कर लेना है या ग्रेजुएशन करना नहीं, शिक्षित बनना है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को शिक्षित करना है।
उसके बाद संगठित होना है। संगठित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई समूह बना लेना है या कोई दल बना लेना है या कोई यूनियन बना लेना है, नहीं। संगठित का मतलब है कि समाज को समानता के साथ आगे बढ़ाना है और उसके बाद संघर्ष करना है। संघर्ष करने का मतलब कहीं लड़ना है या किसी का सर फोड़ देना, ऐसा नहीं है। संघर्ष करने का मतलब है जो समाज के हित हैं, चाहे राजनीतिक दलों के बीच करना हो चाहे समाज के बीच करना हो, उन संघर्षों को करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महामानव का नाम है, हम सभी के आइडियल हैं। उनके द्वारा हम मानते हैं कि शायद वो अनुसूचित वर्ग के थे, और बाबा साहब भले ही अनुसूचित वर्ग के हों, आप उनके द्वारा कामों को अगर देखेंगे, आज हमारी जो बहनें हैं, मैं महिला शक्ति को नमन करता हूं और मैं बताता हूं कि बाबा साहब ने उस समय अपने समय में जब संविधान बना रहे थे तब हमारी बहनों की, हमारी माताओं की चिंता की, इन महिलाओं को भी जो है पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए जी। इन बहनों को भी जो है पुरुषों के बराबर अवसर दिए जाने चाहिए। जो बहनें आज सरकारी अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं, सरकारी कर्मचारी के रूप काम कर रही हैं, हमारी बहनें आज हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, गौरव की बात है। एक मातृत्व लीव कि हमारी बहनें हमारे गृहस्थ जीवन को भी चलाती हैं, हमारी परिवार को भी आगे बढ़ाती हैं, उनको 3 माह 6 माह तक का प्रावधान उस समय किया जी। आप देखेंगे ESI, आप जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एक मजदूर भाई, बाबा साहब की सोच को देखिए अंजू जी, एक मजदूर भाई कहीं किसी फैक्ट्री में लेबर क्लास काम कर रहा है या किसी संस्थान में है, अधिकारी कर्मचारी कुछ भी है, उसके परिवार की जिम्मेदारी बाबा साहब ने उस समय तय की कि उसकी परिवार की जिम्मेदारी के लिए एक कर्मचारियों का अस्पताल होना चाहिए, ESI की स्थापना करनी। सूर्यवान जी, यानी कि उनकी सोच की अगर हम बात करें तो वो बहुत ऊंची थी उस समय भी। उनका मानना था कि साक्षर नहीं बनना है, शिक्षित बनना है। जी बिल्कुल सही अंजू जी, एक बात को समझिए आप, बाबा साहब ने उस समय जो कल्पना की, उन्होंने उस समय कहा था, आज हमारा जो रिजर्व बैंक की आप गति को देख रहे हैं, हमारे देश की उन्नति को आप जो देख रहे हैं मौजूदा समय में, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि जो देश की करेंसी है, जो हमारी धनाढ्य शक्ति है देश की, इसको हर 10-20 साल में बदला जाना चाहिए ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे, काला धन अपने आप निकल जाए, जो अव्यवस्थाएं अपने आप हो जाए। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने उस समय जो आकलन किया था, हम मानव को महामानव तभी कह पाते हैं तब वो दूरदर्शी हो। जी, जी। बाबा साहब दूरदर्शी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। सर आपने करेंसी की बात की है, इकोनॉमी पे हम आते हैं कि क्योंकि उनको पूरे विश्व में एक अच्छे अर्थशास्त्री, चाहे आप एक लॉयर कह सकते हैं, आप उनको एक दर्शन शास्त्री भी कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं, जब इतनी लंबी जो है दूरदर्शिता थी उनके पास। तो रंगा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बारे में अगर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो आप क्या कहेंगे? जो जी, जैसे कटारा साहब ने बताया कि वो एक उसके एक अर्थशास्त्री भी थे, एक कानून के ज्ञाता भी थे, एक विधान के ज्ञाता भी थे, उसके साथ साथ में एक बहुत बड़े पत्रकार भी थे। मूकदाता जो उसने पत्र उस टाइम में जो समाचार निकाला वो बहुत ही बड़ा निकाला, और उनकी इतनी बड़ी सोच थी। एक्चुअली कुछ लोगों के बारे में, उनके बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों को पता नहीं है। असली बात ये थी उनकी इतनी बड़ी सोच थी, वो सभी जातियों के बारे में बराबर सोचते थे, जो उन्होंने एक शेड्यूल बनाई। कुमार जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आज हमारे समाज में इतने सालों बाद भी कुछ कुरीतियाँ मौजूद हैं, बुराइयाँ मौजूद हैं, कमियाँ हैं, हम लोगों में भी हैं, अगर भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व आज हमारे समाज में मौजूद होते तो क्या रूप होता हमारे समाज का? समाज में पूरा बदलाव होता। किस प्रकार का बदलाव हुआ? सामाजिक, आर्थिक, सभी तरह। तो महिलाओं की स्थिति है, जैसे हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अभी सूर्यवान जी ने भी कहा कि वो नारी शक्ति को नमन करते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि मानना बहुत ज़रूरी है। बातें हम करते हैं सभी, पर क्या हमारे समाज में जो है नारी को नमन किया जा रहा है? पहले महिलाएँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, संविधान नहीं बना था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब के प्रयत्नों ने महिलाओं को अधिकार दिया, शिक्षा का, बराबर का, वोटिंग पावर भी महिलाओं के पास है आज।
तो अगर हम भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व के सिद्धांतों को थोड़ा सा भी मानेंगे, फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे समाज में, तो निश्चित तौर पर समाज में और समाज के लोगों में बदलाव ज़रूर आएगा। सूरजवान जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतने साल पहले बाबा साहब ने कल्पना की थी एक अच्छे भारत की, जो उनके सपनों का भारत था, वो मुझे नहीं लगा। आज भी हम कास्टिज्म पर बात कर रहे हैं, हम रिजर्वेशन पर बात कर रहे हैं, अभी आपने चर्चा में दोनों ने बहुत इस बारे में बोला है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? इतने सालों बाद भी हम उनके सपनों का भारत नहीं बना पाए, क्या कारण है? अंजू जी, बहुत बौद्धिक सोच है आपकी कि उस महामानव ने जो कल्पना की, हम उस कल्पनाओं से दूर क्यों जा रहे हैं। सीधी बात है, देखिए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक जिस व्यक्तित्व के वो महापुरुष थे, आप देखेंगे इस देश दुनिया में चाहे कोई गुरु हुए हों या कोई हमारे आइडियल हुए हों या कोई हमारे महापुरुष हुए हों, हम उनकी जन्म जयंती पे और पुण्यतिथि पे ही उनको याद करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तीसरी बार भी याद किया जाता है, वो उनके कद की गरिमा को, उनके सिस्टम को दर्शाता है। जी, जी। बाबा साहब को तीसरी बार याद किया जाता है 26 नवंबर 1949 के संविधान दिवस सौंपते हुए। अभी हम गणतंत्र दिवस इस देश में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस इस देश में मनाते हैं, और अब एक नया फेस्टिवल पिछले दिनों से आरंभ हुआ है, स्वतंत्रता दिवस जी। के साथ साथ संविधान दिवस। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े जितने भी स्थल हैं, आज उनके अनुयायियों की संख्या क्यों बढ़ रही है? आप देखिए, उनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को जी। उनका अंतिम समय गया, देहांत हुआ 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में जी, जहां उन्होंने दीक्षा ली। बाबा साहब को पता होगा, आपको पता है सभी को, बाबा साहब हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए थे। जहां दीक्षा ली, दीक्षा भूमि नागपुर। बाबा साहब का देहांत दिल्ली में हुआ पर उनकी समाधि मुंबई में बनाई गई, दादर भूमि उसको बोलते हैं, इंदू मिल के साथ में मुंबई में। पाँचवा एक पवित्र स्थल जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, अभी पिछले दिनों सरकार ने उसको चिन्हित किया है लंदन में शिक्षा भूमि के जी। पांचों के पांचों स्थल बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी को जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए तीर्थ हैं। मुझे नहीं लगता कि इस महान व्यक्तित्व पर बोलने के लिए एक घंटा, आधा घंटा, एक प्रोग्राम काफ़ी है। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो अनुयायियों की आपने बात की, उनको मानने वाले लोगों की बात की, वो इसी तरीके से संख्या बढ़ती रहे और वास्तव में उनके सिद्धांतों को लागू करने में लोग अपनी भूमिका निभाएं और समाज में बदलाव लाने में भी अपना जितना उनसे हो सकता है, हमारा व्यक्तिगत तौर पर हम सहयोग करें, ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत का जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो सके। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।